व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आराम खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो छोटी जरूर होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होगी एंड आई एम डैम श्योर कि आपके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ में ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स से अक्सर सुना होगा कि हमेशा हमें एक ही निश पर काम करना चाहिए और अगर हमारा न्यू चैनल है तो हमें अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करनी चाहिए, एक ही निश पर हमेशा काम करना चाहिए अगर हमें अपने चैनल को ग्रो करना है तो। लेकिन गाइस मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ और मैं इस बात को क्यों नहीं मानता हूँ आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस होता क्या है, अगर हमने न्यू चैनल क्रिएट किया है और हम अपनी एक ही कैटेगरी पर एक ही निश पर वर्क करते जा रहे हैं, सपोज दैट मैंने एक न्यू टैग चैनल क्रिएट किया और मैं उस पर अनबॉक्सिंग की वीडियोज डाले जा रहा हूँ, कभी मोबाइल की वीडियो डाल रहा हूँ, कभी किसी और गैजेट की वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब अनबॉक्सिंग वीडियो मैं इस चैनल पर भर भर के डाले जा रहा हूँ। अब गाइस मेरी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होंगी क्योंकि गाइस मुझसे ज्यादा बड़े बड़े क्रिएटर्स यूट्यूब पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो उसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो कोई मेरी वीडियो को क्यों वॉच करना पसंद करेगा गाइस। तो ऐसे में गाइस होता क्या है, अगर हम एक ही निश पर काम करते रहते हैं तो हमारे चैनल के ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं क्योंकि हमारे पास कैटेगरी सिर्फ एक ही होती है। अब मैं आपको बताता हूं गाइस कि क्या हमें एक ही निश पर काम करना चाहिए या नहीं और एक ही निश पर काम हमें कब तक करना चाहिए। तो गाइस जब तक आपका चैनल सक्सेसफुल ग्रोथ ना हो जाए, मतलब जब तक आपका चैनल एक अच्छा प्रॉपर ट्रैक ना पकड़ ले, जब तक आपको अपने चैनल की नीश चेंज करते रहना चाहिए। सपोज दैट आपका टेक का चैनल है तो आप उस पर अनबॉक्सिंग वीडियोस भी डाल सकते हैं और यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोस भी डाल सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियोस भी अपने चैनल पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चैनल की थोड़ी बहुत नीश चेंज कर सकते हैं लेकिन कैटेगरी आपकी टैग ही रहेगी। ऐसे में आप लोग देखेंगे गाइस कि आपकी किसी भी एक टॉपिक की वीडियो अचानक से वायरल हो गई है और जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ जाए गाइस, जिस वीडियो की वजह से आपको सब्सक्राइबर लाइक्स व्यूज वॉच टाइम अच्छा मिल जाए, समझ लीजिए गाइस कि पब्लिक वही वीडियो आपकी देखना चाहती है और वही आपकी नीश है। तो ऐसे में जब आपका यूट्यूब चैनल कोई एक अच्छा ट्रैक पकड़ ले तभी आपको अपने यूट्यूब चैनल की नीश डिसाइड करना है कि मुझे अब इसी टॉपिक पर वीडियोस बनानी है, अब मुझे अपनी नीश चेंज नहीं करनी है। तो गाइस ये कुछ यूट्यूब पर वर्क करने का सही फंडा है। जब तक आपको आपके चैनल का ट्रैक नहीं मिल जाता, जब तक आपका चैनल थोड़ा सा बूस्ट अप नहीं हो जाता, थोड़ी बहुत कैटेगरी चेंज करते हुए अपनी वीडियोस मेंशन करते रहिए, मिक्स कैटेगरी थोड़ी बहुत डालिए और जैसे ही आपको लगे कि आपके चैनल ने एक ट्रैक पकड़ लिया है तो आप वहीं पर अपनी वही नीश सेलेक्ट कर लीजिए जिस वजह से आपको व्यूज वॉच टाइम और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं। सो गाइस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप मैंने आपको यूट्यूब चैनल की नीश को लेकर सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे एंड आपके चैनल ग्रोइंग में ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं गाइस तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप की यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियोज मैं आपके लिए डे बाय डे लाता रहता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहें तो कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दे रखा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल या परसों। टिल देन ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। हिट वीडियोज होंगी ज्यादा, यह है टेक्निकल आराम का वादा।